हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज हमारे पास है पेट्रॉन एयरबड्स, तो इसको आज करेंगे ठीक दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ चुकी है दोस्तों, जब भी हम इसको चलाते हैं तो चलता ही नहीं है, इसलिए हमारे पास ठीक होने के लिए आया। इसमें आ चुकी है चार्जिंग की प्रॉब्लम। जैसे कि हम इसमें लगाएंगे चार्जर, तो इसमें चार्जिंग की लाइट दिखाता है, और जब चार्जर निकाल देते हैं तो फिर कोई भी लाइट नहीं दिखाता, कोई भी चीज़ इसमें शो नहीं करता है। तो इसी प्रॉब्लम को हमें ठीक करना है ताकि ये चल सके दोस्तों। तो दिखाएंगे आपको इसको खोल के कैसे ये खुलेगा और कैसे रिपेयर होगा। तो वैसे ये पानी लग चुका है दोस्तों। तो जिस भाई का था ये, उसने खोल के उसको साफ़ तो किया था, लेकिन साफ़ करने के बाद भी इसमें क्या हुआ कि ये चला नहीं। इसमें देखिए, अब चार्जर लगा रखा है, लाइट ब्लिंक कर रही है, इसके अंदर लाइट बंद हो रही है, चालू हो रही है, लेकिन क्या है, जब चार्जर निकाल देंगे तो ये लाइट नहीं जलेगी, नहीं बिल्कुल ही। देखिए, अब इसको चार्जर निकाल दिया तो कोई भी लाइट शो नहीं कर रहा है इसके अंदर। तो इसको हमें ठीक करना है दोस्तों। तो इसको फटाफट आपको दिखाता हूँ कैसे इसको खोल लेंगे और कैसे ठीक करेंगे दोस्तों। तो वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आपको पता लगने वाला है इसको हम कैसे ठीक करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ से कस्टमर ने खोला भी था इसको, तो हमें इसका पहला खोलना है केस, क्योंकि केस के अंदर ही दिक्कत है, क्योंकि उसमें ही लाइट नहीं जल रही है। तो देखिए, यहाँ पहले इसको खोल रखा है, यहाँ से इसको देखिए चिमटी वगैरह के साथ, किसी चीज़ के साथ खोला था, पेचकस वगैरह के साथ। तो यहाँ से इसको हम खोल लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, तो इस गैप के हिसाब से भी हमें उठाना है, क्योंकि यहीं से भी खुलेगा। तो इसको आराम आराम से खोल लेंगे बिल्कुल दोस्तों। तो जो निशान पड़ चुके हैं वो तो पड़े रह रहे दो, बाकी और हमें इस पर कोई भी निशान नहीं डालना है, इसके लिए बिल्कुल सेफली खोलना है इसको। तो फटाफट यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा उठाएंगे धीरे धीरे चारों तरफ से, अब नीचे से उठा देंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ से निकल चुका है ये, तो इसको पूरा का पूरा यहाँ से निकाल लिया हमने। तो इसकी देखिए प्लेट्स में दोबारा आ चुका है, तो बैटरी वगैरह इसके अंदर लगी हुई है। तो देखिए, पानी वगैरह के निशान से इस पर कार्बन भी आया होगा ज़रूर। तो भाई ने तो साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी ये चला नहीं। तो देखते हैं इसमें क्या कंपोनेंट ख़राब होगा इसका, कौन सी कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। तो फटाफट आपको दिखाते हैं ठीक करके। तो देखिए दोस्तों, अब हमें करना क्या, हमें करनी है इसके प्लेट को चेक। चेक कैसे करना है, हमें इसमें लगाना है चार्जर। चार्जर लगाने के बाद इसमें जो बैटरी के पॉइंट है वहाँ पे हमें इसकी वोल्टेज देखनी है, कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। और बाकी इसमें देख भी लेंगे पहले, कोई कंपोनेंट वगैरह सड़ा तो नहीं हुआ, कोई आईसी वगैरह तो नहीं ख़राब है दोस्तों। और बैटरी वगैरह हमें देख लेंगे, बैटरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि बैटरी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम दिखा देता है। तो फटाफट इसको चेक कर लेते हैं। बाकी हमें बैटरी देखी है जाके तक, कि बैटरी में कोई भी फुली हुई नहीं लग रही है, कि जैसे कि बैटरी फुल जाती है तो उसकी वजह से भी खराबी देते हैं, लेकिन बैटरी कोई भी फुली नहीं हुई है इसकी। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे बैटरी के पॉइंट में हमें वोल्टेज चेक कर लेनी है, कितनी वोल्टेज इसके अंदर आ रही है, कितनी नहीं आ रही है दोस्तों। तो देखिए, आपको दिखा भी देता हूँ मैं मीटर को रख के एक बार, कितनी वोल्टेज आएगी इसके अंदर चार्जर वगैरह लगा के सही तरह, ताकि हम इसको अच्छी तरह रिपेयर कर सके दोस्तों। तो देखिए, वैसे इसमें चार्जर लगा रहे हैं तो लाइट जल रही है, लेकिन चार्जर निकाल देंगे तो कोई भी लाइट नहीं जलेगी। तो आपको मैंने पहले दिखा दिया है, तो अब क्या करते हैं इसको एक बार मीटर से चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी वोल्टेज आएगी। तो उसके हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी के पॉइंट पे वोल्टेज आनी चाहिए दोस्तों, 3 से ऊपर आनी चाहिए 3.5 से ऊपर आनी चाहिए दोस्तों। वैसे सही वोल्टेज होएगी जो 4.20 कुछ पे चार्ज होता है, जो प्रॉपर चार्ज होता है। अगर 3.5 से ऊपर हो जाए फिर भी चार्ज हो जाता है, लेकिन स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, काफ़ी लेट चार्ज होता है फिर भी, लेकिन ये चल जाएगा दोस्तों, जहाँ तक कि इसमें बैटरी छोटी टाइप की होती है। तो देखिए, अब इसमें हम लगा रहे हैं चार्जर यहाँ पे, तो कोई भी वोल्टेज सही तरह नहीं आ रही है। तो इसको हम चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ से कौन सी वोल्टेज आ रही है, उसके हिसाब से हम इसमें फिर क्या करेंगे। अगर कंपोनेंट कोई चेंज होने वाला होगा तो वो करेंगे चेंज, नहीं तो इसकी जंपर वगैरह लगा के देखते हैं इसको चला के अच्छी तरह। तो देखिए, यहाँ से हम जैसे लगा रहे हैं इसमें, देखिए कोई भी हमें वोल्टेज शो नहीं कर रहा है बैटरी के पॉइंट पे। तो अब हमें करना क्या है, इसकी एक बार बैटरी को निकाल लेंगे, अभी प्लेट को खोल के बैटरी को निकालने के बाद इसको रिमूव करेंगे यहाँ से बैटरी को, इनके तारों को अलग करेंगे। फिर इसकी प्लेट पे हमें चेक करनी है वोल्टेज की, प्लेट पे कितनी वोल्टेज आएगी। तो हम और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे प्लेट को खोलेंगे तो नीचे की तरफ देख सकते हैं कोई कंपोनेंट तो नहीं खराब हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे दिए गए हैं दो नट, इन दोनों नटों को फटाफट खोल लेते हैं दोस्तों। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। देखिए, हमने नट खोल लिया, नट खोलने के बाद प्लेट हमने निकाल लिया, और इसकी बैटरी को भी सीधा निकाल लेंगे ऐसे। तो देखिए, आपको बैटरी तो दिख रही होगी, देखिए बैटरी में भी कोई भी खराबी नहीं लग रही है, बैटरी बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही है, ना ही फुली हुई है कि बैटरी फूल चुकी है इसके कारण भी ख़राब हो जाए। तो हमें करना क्या, अभी इसके देखिए यहाँ से पॉइंटों को हटा लेना है। तो पहले भी किसी भाई पे शायद उसने दिखाया होगा ये, इस करके ये बैटरी की तारें यहाँ से हटा के दोबारा लगा रखी है। तो देखिए, यहाँ से अब इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे एक्स्ट्रा सोल्डर को, क्योंकि बैटरी हमने उतार ली है, दोबारा बैटरी लगा देंगे बाद में। पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं, प्लेट को हमें अच्छी तरह चेक करना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई होगी दोस्तों, कहाँ से कौन सा कंपोनेंट ख़राब होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर चार्जर लगा लिया इस पर, और इसकी प्लेट को चेक करते हैं यहाँ पर कितनी वोल्टेज आएगी, कितनी नहीं आएगी। तो यहाँ पे लगाते हैं दोनों सिरे पे, हमें एक प्लस और माइनस का कोई चक्कर नहीं, किसी साइड लगा के चेक कर लो, क्योंकि उससे हमें पता लग जाता है कि कितनी वोल्टेज आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है 2.9997 कुछ ऐसे ही दिखा रहा है दोस्तों। तो हमें यहाँ से 3.5 से ऊपर वोल्टेज चाहिए, जिससे कि ये सही तरह काम कर सके।
तो देखिए इसको फटाफट आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, तो इसको चेक करके अच्छी तरह तो देखना पड़ेगा भी कौन सी आईसी में किस तरह दिक्कत है, चार्जिंग की किस वजह से चार्जिंग नहीं दिखा रहा है। तो जहाँ तक लगता है इस आईसी में ही दिक्कत होती है दोस्तों चार्जिंग की, बाकी कंपोनेंट तो जितने हैं हमें साफ़ लग रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लगाया जम्पर, तो आपको ये आईसी दिख रही होगी, देखिए दोस्तों एक पिन से लास्ट वाली परली साइड से पहली पिन है, तो इस हिसाब से हमने जम्पर लगा लिया क्रॉस में। तो इससे क्या है कि वोल्टेज आ रही है 3.5 से ऊपर वोल्टेज आ रही है, तो इसमें चार्ज होना चाहिए, बाकी लाइट वगैरह इसकी जल रही है अब सही तरह, सब चार्ज बैटरी वगैरह लगा के देख लेंगे इसमें आगे वर्क करेगा नहीं करेगा। तो हमने ये देखिए यहाँ पे जो जम्पर लगाया है इसकी वोल्टेज भी आपको चेक करवा देता हूँ, बैटरी के पॉइंट पे कितनी वोल्टेज आ रही है। तो इन चीज़ों में दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें चेक करना पड़ता है कौन सा पॉइंट कहाँ से ख़राब है कितना ख़राब है। तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी देखिए 3 से ऊपर आ चुकी है, 3.80 के करीब हो चुकी है ये। तो अब क्या करते हैं इसको फटाफट हमने फिट कर लिया है, बैटरी वगैरह लगा ली अच्छी तरह। तो अब हमें इसके यहाँ देखिए बर्ड्स है जो कि ये भी काम करने लग गए, देखिए मैं आपको एक बार डाल के दिखाता हूँ, जैसे कि हमने इसमें डाल लेंगे डाल देखिए डाल लिया और निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल इसमें लाइट वगैरह जलने स्टार्ट हो चुकी है, मतलब इसकी बैटरी में करंट आ चुका है। लेकिन जो इसका दूसरा बर्ड्स था दोस्तों वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, उस वो सड़ चुका है, वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। पहले इसको यहाँ से फिट कर लेते हैं, तो इसको डिब्बी को देख लेना दोस्तों उल्टी और सुलटी की साइड कौन सी साइड से फिट होगा ये उसके हिसाब से कर लेना फिट। तो देखिए यहाँ से फिट हो चुका है, तो ये वाला जो बर्ड्स है इसका बिल्कुल चालू हो चुका है, इसमें लाइट जल चुकी है, लेकिन ये बर्ड्स है दोस्तों ये शॉर्ट हो चुका है, शॉर्ट होने के बाद देखिए इसकी बॉडी भी ऊपर से पिघल चुकी है। तो दिखाता हूँ उसकी प्लेट में क्या दिक्कत हुई है, तो ये हमारा एक बर्ड्स है बिल्कुल काम करेगा सही तरह काम करेगा, इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही है, लेकिन इसका बर्ड्स है ख़राब हो चुका है। मैं इसमें चार्जिंग वगैरह लगा के दिखाता हूँ पहले एक बार इसको, तो देखिए यहाँ पर लाइट जल चुकी है, तो इसको भी चार्ज होने देंगे थोड़ी देर के लिए। वैसे इसमें देखिए वोल्टेज करंट आ चुका है, इसका बर्ड्स भी चालू हो चुका है, डिब्बी भी चालू हो चुकी है, तो ये बिल्कुल सही तरह वर्क करेगा। तो इसमें प्रॉब्लम है जो दिखाता हूँ मैं आपकी, इसकी प्लेट निकाल के एक बार, क्योंकि इसकी बॉडी है काफ़ी पिघल चुकी है जिसके कारण की प्लेट इसमें अटक चुकी है निकल नहीं रही है, तो इसको थोड़ा निकालते हैं धक्के से। तो देखिए हमने इसको थोड़ा बहुत काट पीट के खुर्च खर्च के निकाला, प्लेट को निकालने के बाद देखिए इसकी जो आईसी थी ये यहाँ से शॉर्ट हो चुकी है, क्योंकि जब हमने इसको चार्जिंग लगाया तो ये गर्म होना स्टार्ट हो चुका था, तो हमने इसको साथ के साथ ही निकाल लिया था, लेकिन तब तक इसकी बॉडी है काफ़ी पिघल चुकी थी। तो अब इसमें क्या हुआ देखिए यहाँ से इसकी आईसी है उड़ चुकी है यहाँ से, क्योंकि इस आईसी में दिक्कत थी तो ये ख़राब हो चुकी है, तो अब ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखेंगे दोस्तों किसी के निकाल के बर्ड्स की, अगर कोई ख़राब बर्ड्स पड़ा होगा तो उसकी आईसी निकाल के चेंज करके चला के देखेंगे। तो ये आईसी चेंज करने वाली वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा अगर ये ठीक होगा तो। बाकी ये एक बर्ड चल चुका है, तो कस्टमर से हमने पूछा है, कॉल किया उसको क्योंकि नंबर हम लिख लेते हैं, तो बोला कोई नहीं भाई एक चलता देख चला दो आप, एक सही काम चल जाएगा। तो हम जब इसको फिट कर लेंगे जैसे हमने इसको कॉल रखा था वैसे ही फिट कर लेंगे, तारे वगैरह जैसे ही लगा लेंगे इसके अच्छी तरह। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों कमेंट करके बताना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे दोस्तों, और आप वीडियो देखें और आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, तो आप भी ऐसी अपनी चीज़ों को खोल के चेक कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों।